हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अनुपमास किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हमारी किचन में बन रहा है बहुत ही इंस्टेंट 5 मिनट में बनने वाली हलवाई स्टाइल लच्छेदार रबड़ी। तो आज हमने बनाई है एकदम इंस्टेंट सी रबड़ी, क्विक सी, मिनिमम से इंग्रेडिएंट के साथ। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट लगते हैं और झटपट से ये रबड़ी बनके तैयार हो जाती है। घंटों हमें दूध को पकाना नहीं पड़ता है, फटाफट से बन जाती है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ देखिए, मैंने फुल फैट दूध लिया है। यहाँ मैंने बफेलो मिल्क के 2 पैकेट लिए हैं, हाफ हाफ लीटर के। आप चाहो तो कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो। यहाँ फुल क्रीम दूध ही यूज़ करना है। तो एक बर्तन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, दोनों ही पैकेट को, और इसको अब हम गैस पे साइड में बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारा दूध बॉईल हो रहा है, आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन सी कंट्री या सिटी से देख रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से दूध को बीच बीच में हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि ये तले में जाके चिपके ना। तो आगे की तैयारी कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ मैंने लिया है 2 ब्रेड स्लाइस। मेरे पास आटा ब्रेड होती है तो मैंने वही यूज़ की है। आप चाहो तो यहाँ पे वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों को मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है, अच्छे से हमने इसको क्रश कर लिया है। तो ये हमारा ब्रेड का क्रम बनके हो गया है तैयार। इसको हम साइड में रख देंगे, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट को भी पीस के हल्का दरदरा सा पाउडर बना लेते हैं। थोड़े से मैंने बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट टोटली ऑप्शनल है, आप जो कम ज़्यादा करना चाहो वो कर सकते हो। इनको दरदरा सा मैंने पीस के ले लिया है, इसको भी हम साइड में रख देंगे। और थोड़ी सी मैंने बादाम और पिस्ता की कतरन ना अलग से बचा ली है ऊपर से गार्निश करने के लिए। ये देखिए थोड़ी सी बचाई है मैंने। तो इन सबको साइड में रख देते हैं। चलिए अपने दूध की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा दूध अलग निकाल लिया एक बर्तन में और उसमें मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट मिल्क पाउडर। तो ये 10-10 रुपए वाले जो मदर डेयरी के डेयरी वाइटनर आते हैं ना, वही मैंने यूज़ किया है। आप चाहो कोई से भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो, बस 1/2 कप इसमें मिल्क पाउडर डालना है। अब ये मिल्क पाउडर वाला जो घोल है उसको हम अपने सारे दूध में डाल लेंगे और इसको चलाते रहेंगे। चलाते चलाते ही हमें इसे कुक कर लेना है। तो देखिए मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है मिल्क पाउडर। अब जो हमने ब्रेड क्रम बना के रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे और इनको चलाते हुए धीमी धीमी आंच पे लगातार पकाते रहेंगे। और जब तक ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी पर नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे कुक करना है। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे ना तो ब्रेड अच्छे से दूध में घुल मिल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें ब्रेड का यूज़ किया है। साथ ही मैंने 1/2 छोटा चम्मच इसमें हरी इलायची का पाउडर डाला है। रबड़ी में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखा था वो भी इसमें डाल लिया है ताकि ये भी दूध के साथ अच्छे से घुल मिल जाए और फूल ना हो तो फूल भी जाए और अच्छे से इसका फ्लेवर सारे दूध में मिक्स हो जाए। तो लगातार चलाते हुए हमें इसे कुक करना है। अब यहाँ मैंने लिया है 1/2 कटोरी देसी खांड। तो आप चाहो तो इसकी जगह चीनी का यूज़ भी कर सकते हो या फिर धागे वाली मिश्री का यूज़ भी कर सकते हो। तो लेकिन मैंने यहाँ पे आज अपनी रबड़ी को हेल्दी वे में बनाया है तो इसलिए मैंने यहाँ देसी खांड यूज़ किया है। मैं जनरली अपनी सारी स्वीट्स में देसी खांड ही यूज़ करती हूँ। अब ये वाला स्टेप टोटली ऑप्शनल है। थोड़े से दूध में 1 छोटा चम्मच हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। इस तरह से विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक भी गांठे इसमें नहीं रहनी चाहिए। और इस वाले घोल को अब हम अपने रबड़ी वाले दूध में डाल लेंगे। तो ये बेसिकली रबड़ी को जल्दी से गाढ़ा करने के लिए मैंने यूज़ किया है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो और लो टू मीडियम फ्लेम पे अपनी रबड़ी को लगातार चलाते हुए ऐसे भी गाढ़ा कर सकते हो तब तक कि दूध की क्वांटिटी 1/3 नहीं हो जाती। तब तक हम इसे कुक कर लेंगे तो वो गाढ़ी हो जाएगी। तो देखिए अभी थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन जैसे जैसे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन दूर होगा और कॉर्नफ्लोर पक जाएगा उसके बाद हमारी रबड़ी में बहुत अच्छी सी थिकनेस आ जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो बिना कॉर्नफ्लोर के भी अपने दूध को गाढ़ा कर सकते हो।
लेकिन मैं यहाँ इंस्टेंट रबड़ी बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। और ये देखिए मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा रही है स्पैचुला पे, अच्छे से लाइन ड्रॉ हो रही है और आपस में मिक्स भी नहीं हो रही है। इसका मतलब हमारी रबड़ी का बैटर बनके हो गया है तैयार। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। इतनी ही थिकनेस तक हमें इसे कुक करना था, इससे ज़्यादा अगर हम इसे कुक करेंगे तो ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पे हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए साइड में छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमें इसे फ्रिज में रखेंगे। और ये देखिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई है हमारी रबड़ी, बहुत अच्छी सी थिकनेस आई है, एकदम लच्छेदार। और खाने में तो इतनी डिलीशियस थी, कोई बोल ही नहीं सकता था कि हमने इसमें ब्रेड का यूज़ किया है। बिल्कुल ऐसे जैसे हलवाई स्टाइल लच्छेदार रबड़ी होती है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आ रहा था। थोड़ा सा मैंने बादाम और पिस्ता की कतरन से इसको गार्निश कर दिया है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी तो रबड़ी बनके हो गई है तैयार, एकदम इंस्टेंट सी 5 मिनट में बनने वाली रबड़ी। कैसी लगी आप सबको मेरी ये वीडियो? आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।